तो ये सात हुकूक तो ये, इसके अलावा भी बहुत सारे हदीसों के अंदर आते हैं जहाँ जहाँ पर ये सब हक मारने में से जाएंगे, जैसे कि एक मुसलमान से मुसलमान हसद ना रखे, उससे हसद ना रखे, दिल के अंदर कीना कबद उसके लिए कि उससे जले कि इसको, अरे ये चीज़ इसके पास में, ये गाड़ी ले आया, ये नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हसद जलन उससे ना रखे, गाड़ी ले आया और किस तरह और हसद हो रही है, क्योंकि हसद फितरी भी है, होती है इंसान को, अरे यार मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से जॉब है, लेकिन मैं अभी तक साइकिल से आगे नहीं बढ़ा और ये 2 साल के अंदर आगे बढ़ गया, अब उसको जलन है, तो कम करने के लिए भी है कि आपको कम करनी है, उसके जलन हो रही है आपको, तो उसके पास आप जाओ मुबारकबाद, आपको उस हसद को दबाना पड़ेगा, नहीं तो हसद ऐसी आ गया, जो अलग सुन क्या फरमाए कि हसद ऐसी चीज़ है कि हसद ऐसे जो इंसान के अमल को खा जाती है, उसकी नेकी को खा जाती है, जैसे कि सूखी घास, आग जो है सूखी घास को खा जाती है, तो आपको उससे हसद आ रही कि यार ये कैसे लिया था, आप जाकर सोचे माशाल्लाह आप गाड़ी लिया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, चल रहा मिठाई खिलाओ, तो आप उसके पास जाएंगे तो वो फिर आपके दिल में से हसद निकलेगी, तो हसद ना रखे, ये भी मुसलमान का हक मारने में से कि मुसलमान से वो हसद रखें, इस तरह जो है किसी से जलन, ये भी उसी जैसा ही है, जलन रखना उससे, औरतों के अंदर ज़्यादा होता है, वो जरा सा कुछ ही नहीं, अच्छा सूट आ गया तो जलन, अच्छा उसने कपड़ा पहन लिया तो जलन, अच्छे जूते लिया तो जलन, अच्छी ज्वेलरी आ गई तो उसको हसद जलन, कैसे आ गया इसके पास में, वो मैं थी जो खूबसूरत हूँ, मेरे पे कितना अच्छा लगता है, लेकिन काली कलोटी देखो ये पहन के घूम रही, इसके पास कहाँ से है, ये हसद जलन से निकलती है, तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए दोनों के अंदर। इस तरह ये भी हक मारने में से कि आप किसी की गिबत करें, मुसलमान की गिबत करना, और गिबत करने के ताल्लुक से तो कितनी सारी वईद है कि अपने भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खाना, गिबत करना, तो ये मुसलमान की, मुसलमान दूसरे की भी नहीं करे, गिबत तो मना ही है, ऐसा नहीं है मुसलमान की है तो चलो दूसरे की तो करो, गिबत करना ही मना है। गिबत क्या कि सामने वाले के अंदर वो चीज़ हो और आप उसको पीठ के पीछे बोलते हो और वो उसको बुरा मानता हो, जो उसके मुंह पे नहीं बोल सकते उसको पीठ पीछे बोलना, ये गिबत है, ये गिबत में ये आता है। इधर चुगली करना, किसी मुसलमान की आप चुगली कर रहे हैं कि अरे यार इसका ये कर दो, ऊपर चला गया चुगली से, आपने बोझ से चुगली कर रहे हैं, तो ये सारी चुगली करके, चुगली करके भड़काना किसी की रिश्तेदारी उससे हो रही, तो अरे यार इसको बोल दो, अरे चुगली, अरे ये लड़के का मामला ऐसा है, ये लड़के का मामला ऐसा है, अब उसके अंदर कितने सारे, अगर नहीं हुआ तो तोहमत लगाना, और वो तो इतना बड़ा गुनाह में चला जाएगा, लड़की है और आपने बगैर किसी सबूत के उस पर तोहमत लगाई, तोहमत लगाने पर कितने 80 कोड़े की सजा, कुरान सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया। तो इससे बचे, इस तरह गाली गलोच ना करें, देवी मुसलमान के हक मारने में से कि गाली दे, वो गाली के लिए तो है कि अल्लाह के उसमें फरमाए कि एक कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली ना दे, तो साहबा ने कहा कि माँ बाप को कौन गाली देगा अपने वालदेन को, तो बोले आदमी देता है, क्यों देता है कि जब ये गाली देता है दूसरे को तो दूसरा वाला जवाब में इसको गाली देता है, तो इसने अपने माँ बाप को गाली दिलवाई उससे, क्योंकि इसने उकसाया उस, तो गाली ना दे, तो वो गाली का तो ऐसा मसला हो गया कि ये तो कल्चर हो गया आज, बिना गाली के तो कोई बात ही नहीं करता, फ़ोन पे गाली, रस्ते में मिल रहे तो गाली, बल्कि मिलते ही ऐसे वो आदमी जरा आवाज़ लगा के भी कह रहा है, ए कहाँ था फलां, उसको आवाज़ लगा के गाली दे के बोल रहे, और किसका तो ऐसा हो गया, अरे मैं वहाँ गया था गाली, ये हुआ गाली, यहाँ आया गाली, मतलब एक लफ्ज़ और एक गाली, एक लफ्ज़ और एक गाली, इतनी गाली हो गया, ऐसा कल्चर हो चुका है, तो गाली ना दे, ये भी मुसलमानों के हक में से। इसी तरह मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हथियार ना उठाए, ये भी बड़े गुनाह के अंदर से, बल्कि इसके लिए तो रिवायत आती है कि जो हथियार उठाए वो हम में से नहीं है, यानी ये तो मुसलमान ही नहीं है फिर, तो उसके खिलाफ वो हथियार ना उठाए। और आज हम देखें कि ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल मामला है, मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाए जा रहे हैं, बल्कि हथियार क्या, बड़े बड़े ऐसे हथियार उठाए जा रहे हैं कि एक नहीं मर रहा, वो एक छोड़ते तो हजारों मरते, उनकी बर्बादियों की जा रही है, उनके माल को बर्बाद किया जा रहा है, उनके जो है लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, तो हथियार उठाना ही मना है, तो फिर आज देखें क्या मामला हो रहा है, और मुसलमान खुद लड़ रहे हैं जबकि हथियार उठाना मना है, जमात की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, फिरकों की वजह से लड़ रहे हैं, नमाज पे थोड़ा इख्तिलाफ है उसकी वजह से लड़ रहे हैं, तो ये भी इसका मुसलमानों के हक में से। इसी तरह जो है मुसलमान को दूसरे अलकाब ना दे, बल्कि किसी को भी ना दे बुरे अलकाब, यानी बुरे लकब देना, बुरे लकब देना मना है, कि किसी को आपको उसकी चिड़ रखना, कि आदमी चिड़ नहीं रखते कि ये ऐसा आदमी, तो उसको बोल ये टिंगू, ये मोटे, ये पतले, तो ये सारे नाम देना उसको बुरा लगता है, आप नहीं कह सकते। किसी को पसंद है कि यार मुझे कोई मोटा कह देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको पसंद है तो मसला अलग है, लेकिन देना ही नहीं चाहिए, उसका असल नाम उसके नाम से पुकारना चाहिए, तो ये चीज़ें फिर क्या होती है, उसकी चिड़ बन जाती है, और चिड़ होती है, ये मामला भी मिलता है कि एक बार अल्लाह के रसूल जब मदीना गए तो वहाँ उन्होंने अल्लाह के रसूल कहा कि वो फला को बुला के लाओ,
तो वाई, तो क्या क्या मैं आ गया, क्या अच्छा वो तुम ही हो, नाम बोल के बोला, बोला क्या अल्लाह के रसूल अल्लाह मेरी चिड़े और आप मुझे इस नाम से बुला रहे। बोले चिड़े मुझे क्या पता, मुझे तो यही मालूम तुम्हारा नाम ये। फिर उन्होंने कहा कि फलां उसको बुलाओ, तो वो आया, तो क्या अल्लाह के रसूल अच्छा हुई वो तुम हो, तो क्या अल्लाह के रसूल ये तो मेरी चिड़े आप इसको मेरे नाम से क्यों बुला रहे, मेरा नाम तो ये। तो उन्होंने कहा तुमने कर क्या रखा है सब, एक दूसरे को चिड़े बना रखी, सब एक दूसरे को चिड़े से बुला, अल्लाह के रसूल नापसंदगी का नाराजगी का इजहार किया उसके अंदर। तो किसी के नाम इसे चिड़ वाले और ये चीजें ना करे, बुरे अलकाब ना दे। कुरान में भी अल्लाह ने इसको फरमाया सूरह हुजरात के अंदर, ये कोई किसी को बुरे लकब ना दे और किसी पे ऐब ना लगाए, तो किसी पे ऐब भी ना लगाए। और ये ऐब के ताल्लुक से तो ये है कि वो किसी को ऐब लगाए, तो अगर ऐब उसके ऐसे ऐब हैं जिससे माशरा खराब नहीं होता, अगर पर्सनल ऐब और उसको ऐब को वो जाहिर करता है, तो रोज़े क़यामत अल्लाह उसके तमाम ऐबों को जाहिर कर देगा। तो इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह बदगुमानी ना रखें, किसी के खिलाफ कोई बदगुमानी ना रखें जब तक कि पूरी तरह आपको मालूम ना हो। नहीं तो आप लोग क्या इतनी बदगुमानी रखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो फला, अरे फला के वहाँ खाना खाने जा रहे हो, उसके वहाँ पे तो फला फला ऐसा मसला है, वो तो उसकी कमाई ये है, उसका धंधा ये है, कहाँ जा रहे हो उसके ऊपर आप मालूम, कुछ पता नहीं आपने उड़ी उड़ी बात को आपने कह दिया। बदगुमानी रखी उसके खिलाफ, पूरा आपने तहकीक की, उससे पूछा, बातचीत की, इसलाह की उसकी, तब जाकर। ये खाली बदगुमानी फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है, अफवाह फैलाना तो वो शैतान का काम, अफवाहें वो फैलाता है। नहीं तो लोग किसी के किसी, अरे वो फलां से उनकी और उनकी बात नहीं सुनते क्यों, और एक बार उन्होंने फलां फलां बात बोल दी थी जो गैर शरी थी, अब आपने कभी इसलाह करी, वो आपने 10 जने को बोल दिया, कभी आप खुद ने जाके कहा कि आपसे ये गलती हुई, अगर वो मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, चलो मैं मान लेता हूँ, उसको मान लिया तो बात ही खत्म हो गई, अब आप उसको जाहिर ही नहीं करना। लेकिन आप उसकी बजाय कि उसको कहने की बजाय पूरे जमाने में कहते फिर रहे कि उसने ये किया उसने किया, लेकिन उसको तो बता ही नहीं रहे कि उसने ये किया। तो बदगुमानी कर रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं बहुत बड़े गुनाह के अंदर, तो ये जो है इसका तरीका नहीं है। इसी तरह जो है मजाक, मजाक भी मना किया गया कुरान के अंदर ही, अल्लाह ने फरमाया कि एक औरतें औरतें का मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए। वह फर्क किया कि औरतें भी ना उड़ाए, क्योंकि औरतें ज्यादा हंसी ठटल्ले ज्यादा मजाक ज्यादा करती, तो वहां स्पेशल अल्लाह ने अलग से करके दिया, तो मर्द भी ना उड़ाए। और मजाक तो आम हो चुका है कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, चुटकुले बनाते हैं या मजाक के मौजू बनाते हैं, एक आदमी आता है उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, आदमी को बुरा लगता है इससे। कोई आदमी किसी के लिए आज तो ऐसे मजाक हो गया कि कुछ भी नहीं बोले, वो आ रहा क्या करें हंसो, तो वो वैसे आता है तो सब हंसने लग जाते हैं, तो बड़ा आदमी फिर खुद को देखता है कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, ऊपर नीचे सब संभालेगा, वो क्या हो रहा है बेचारे को मालूम ही नहीं, और उस पर तो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, बुरा मान गया उसको, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है इस पर हमको आज बचने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा, बल्कि इससे आज ऐप से ऐसे मौजूद है जिसके सिर्फ लोगों की जो हंसी टटल्ले मजाक और ये सारी हो, जिसके नुकसान बहुत हो रहे हैं और इसके रिजल्ट इतने बुरे आने वाले हैं, जो आज हम जो ऐप्स हमारे पास में आ रहे हैं हंसी मजाक के, और जो ये अब मुख्तलिफ ऐप है जैसे टिकटॉक है और ये लाइक है और ये इस तरह के वीडियो बना बना कर लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी उसमें किया जा रहा है, बेहयाई और तमाम चीज़ें इसके अंदर आज हो रही है। इतना ये फेल हो गया, इतना फेल इसके अंदर फेल गया है ये आज के, और ऐसा ही है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो पहले ऐप चला करते हैं, यानी यूट्यूब है फेसबुक है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर आम लोगों के हाथ में सब अधिकार आ गया कि जो चाहे अपनी मर्जी करे, जिसकी शूटिंग कर रहा हो, जिसको मोबाइल से कर रहा हो और उस पर बना बना के वो डाल रहा, कोई फला कुछ काम कर रहा है तो उसमें डाल रहा है, वो लोगों को क्या पता क्या हो गया आज के। पहले होता था कि प्राइवेसी की कितनी इंपॉर्टेंट बताई गई इस्लाम के अंदर, कि यहाँ तक सूरह नूर में फरमा दिया कि अगर किसी घर जाओ और वो सलाम करो और वो कह दे कि घंटे बाद आना, तो आपको मानना लाजमी है, आप नहीं कह सकते कि आप। और आज ये मामला हो गया कि लोग अपने घर के अंदर CCTV और कैमरे लगाकर उस पर सीधा ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन देते हैं यूट्यूब के अंदर, ऑनलाइन सीधा चल रहा है, स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको। तो घर के अंदर क्या करता है, CCTV कैमरा लगा, अब वो चल रहे हैं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं पी रहे हैं लेट रहे हैं, उसके ऊपर जिसको देखना है देखो फ्री, माएँ दूध पिला रही हैं वो भी चल रहा है, कोई कहाँ बैठा है वो भी चल रहा है, ये इस तरह तक बेहाई इसमें फैल चुकी है। तो इसको भी हमको तो इस चीज़ों से तो बचना चाहिए कि हम तो ये हुकूक जो 7 हुकूक मैंने बताए, तो ये कि सबसे पहले हुकूक ये है कि सलाम करे तो उसका जवाब दे, फिर जो है अगर बीमार हो जाए तो बीमार पोसी हो जाए, इस तरह इंतकाल जब हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, और दावत दे तो कबूल करे, छींक आए तो उसका जवाब दे, और मशवरा मांगे तो सही मशवरा दे, और कसम दे तो अगर उसकी शरी कसम हो तो उसको वो पूरा करे।